वेलकम टू अलका क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से रिगार्डिंग फर्स्ट और सेकंड एग्जाम के अंदर 5-5 क्वेश्चंस थे दोनों के अंदर। सो फर्स्ट के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई। यू एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स इक्वल टू 3t, वाई इक्वल टू 4t की पावर 3। देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू t। U का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। और जो आंसर है वो भी टी के अंदर दिया हुआ है सारा। सो इसको हम यू को कोशिश करेंगे कि ये टी के अंदर कन्वर्ट हो जाए साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई। अब एक्स की वैल्यू भी गिवन है, वाई की वैल्यू भी गिवन है टी के अंदर दोनों। सो वैल्यूज पुट कर दो, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3t माइनस 4t की पावर 3। अब ये एक तरह से फॉर्मूला होता है तो हम क्या करें, टी को पुट कर देते हैं, पुट टी इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा पुट कर रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स टी ये हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं टी की वैल्यू। सो यू क्या होगा हमारे पास, साइन इनवर्स ये अंदर क्या बन जाएगा, टी की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका होता है, साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। सो इसकी जगह साइन 3 थीटा पुट कर देंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, साइन इनवर्स है साइन कैंसिल। सो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, u इक्वल टू 3 थीटा आ जाएगा। अब हमें जो डेरिवेटिव करना है वो टी में करना, तो इसको वापस टी में कन्वर्ट करो, थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स टी। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो इसका डेरिवेटिव यू डैश इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमें पुट करना है, क्या होता है 1/√1 − t²। मैच करो आंसर कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा, शायद ऑप्शन लिखने में मिस्टेक कर दिए। हाँ, इसमें ये नेगेटिव पावर दी हुई है यहाँ पे −1/2। सो इसको हम क्या करते हैं, 3 और ये हो जाएगा 1 − t², इसकी पावर −1/2। स्केयर रूट होता है ये कितनी होती है, 1/2 पावर होती है, नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2, इफ एक्स इक्वल टू कोस टी वाई इक्वल टू साइन टी, देन व्हाट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। की क्या मतलब होता है इसका, कि हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम किस तरह से करें, कि सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और वो भी किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में करना है। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पहले y का डेरिवेटिव फिर x का डेरिवेटिव। सो y का तो क्या हो जाएगा dy बाई dt और x का क्या हो जाएगा dx बाई dt, फाइंड आउट कर दो। dy बाई dt क्या होगा, y का t के रेस्पेक्ट में, साइन का t में करेंगे, सो साइन t का क्या हो जाएगा cos ऑफ t। डेनोमिनेटर में x का भी t में करना है, cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ t। सो dy by dx की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या ही है, cos t upon माइनस साइन t। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cot ऑफ t ये लिख सकते हैं। इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू माइनस कोट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्केयर टी। और टी का आगे गणन, क्योंकि अब हम किसके रेस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव हमने एक्स के रेस्पेक्ट में, ये क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स और भार डी बाई डी एक्स, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स आया था उसका हमने किसके रेस्पेक्ट में किया है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में किया, लेकिन यहां पर डी दिया हुआ है तो क्या करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। अब dt अपॉन dx क्या है, dx by dt का रेसिप्रोकल है, सो रेसिप्रोकल कर दो, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
कोसेकेंट स्केयर टी को क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन साइन स्केयर टी, और ये रेसिप्रोकल करके लिखना है डीएक्स बाई डी टी का क्या आई थी वैल्यू हमारे पास माइनस साइन टी, माइनस साइन टी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन साइन टी, ये होगा। अब साइन स्केयर टी और साइन टी क्या हो जाएगा, साइन की पावर थ्री टी, साइन टी किसकी वैल्यू है वाई की, सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वाई की पावर थ्री, ये डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी पावर नेगेटिव, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन। नंबर थ्री, इफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स देन व्हाट इज डी स्केयर एक्स अपॉन डी वाई स्केयर इक्वल टू, यहाँ पे डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर पूछा होता तो आप इजिली कर देते, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है डी स्केयर एक्स अपॉन डी वाई स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो इसकी वैल्यू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं सो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पार्ट होगा आपका वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं वन प्लस ई की पावर एक्स इस पूरे की पावर माइनस वन, न्यूमरेटर के अंदर लिखेंगे। अब मैं इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं कैसे, डी अपॉन डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई स्केयर, ये क्या लिखा जाएगा ऊपर डी और डी की मल्टीप्लाई हो जाएगा डी स्केयर एक्स, नीचे हो जाएगा डी स्केयर वाई, सॉरी ये वाई है ओनली इक्वल टू, इसका करना डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव करो पहले तो माइनस वन पावर तो आगे एक पावर कम करेंगे तो माइनस टू, अब इस पार्ट का आगे करेंगे इंटू वन का तो जीरो प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू, अब यहां पे क्या है ये वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, ये एक्स में चल रहा है, अब इसका क्या अलग करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, अब इसको सॉल्व करो माइनस ये e की पावर x, ये डेनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी इंटू कर dx अपॉन dy की वैल्यू पुट करनी है dx अपॉन dy ये वैल्यू है वन अपॉन वन प्लस e की पावर x, डेनोमिनेटर में टू पावर पहले है वन पावर ए, सो कितनी हो जाएगी माइनस e की पावर x अपॉन वन प्लस e की पावर x इसकी पावर थ्री, अगर ऑप्शन में ऊपर ले जा रखी नहीं ऑप्शन में डेनोमिनेटर में दे रखी है सो इसकी अकॉर्डिंग नेगेटिव है पावर थ्री है, सो कौन सा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, आई होप ये आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, चाहो तो इसको ना पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स पे कन्वर्ट करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ मोड एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या होता है इसका मोड एक्स अपॉन एक्स, इसका यूज करके कर सकते हो, अब ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है यू इनटू वी का मेथड लगा दो आप यहाँ पे, सो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा एक्स के क्या होता है फॉर्मूला हमारा यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव, सो यू एज इट इज यू फर्स्ट पार्ट क्या है एक्स इंटू मोड एक्स का डेरिवेटिव करना तो क्या हो जाएगा मोड एक्स अपॉन एक्स प्लस करा मोड एक्स एज इट इज इनटू एक्स का डेरिवेटिव वन या एक्स से एक्स कैंसिल मोड एक्स प्लस मोड एक्स क्या हो जाएगा टू मोड एक्स, ये हमारा आंसर, सो कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पहले अलजेब्रा का रोल है फिर डिफ्रेंशिएशन का रोल है, इसमें दो पार्ट एक साथ दे दिए, पहले आपको एलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करना है, कह रहा x प्लस y इक्वल टू t माइनस वन बाई टी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर टी स्केयर प्लस वन अपॉन टी स्केयर, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कह रहा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है ये बताना आपको, इनकी हेल्प से ना पहले x और y की वैल्यू निकालनी है आपको सेपरेट सेपरेट, क्या करें इसमें
हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे कौन सा फॉर्मूला, ताकि हम एक्स और वाई की सेपरेट वैल्यू निकालें। फिलहाल हमें ये तो पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टू एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से हम क्या पता लग जाए, ये वैल्यू तो गिवन है हमारे पास, ये वैल्यू भी गिवन है, एक्स वाई की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लगाओ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करेंगे तो t माइनस वन बाई टी का स्केयर क्या हो जाएगा, टी स्केयर प्लस वन अपॉन टी स्केयर माइनस टू इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू ये है हमारे पास गिवन है प्लस टू एक्स वाई, ये पार्ट कैंसिल ये पार्ट कैंसिल, सो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी यहां से माइनस वन, एक्स इंटू वाई की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस वन आ गई हमारे पास। अब यहां से कोशिश करो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की, कैसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तो क्या हम ऐसा वो लगा सकते हैं कोई फॉर्मूला दूसरी उस आइडेंटिटी पे चलते हैं। देखना मैं दो तीन फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट तो ये किया है मैंने, अब मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू फोर एक्स वाई, सॉरी माइनस हाँ फोर एक्स वाई, क्योंकि ये वैल्यू भी है ये वैल्यू भी है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। लगाओ भाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्केयर इसका स्केयर करेंगे ये हो जाएगा टी स्केयर माइनस वन बाई टी स्केयर और ये हो जाएगा माइनस टू सॉरी प्लस है यहाँ माइनस फोर एक्स वाई, माइनस फोर एक्स वाई की वैल्यू कितनी है माइनस वन, फाइंड आउट करो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका टी स्केयर प्लस वन बाई टी स्केयर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का फोर माइनस टू तो ये हो जाएगा प्लस टू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस वन बाई टी का होल स्केयर लिख सकते हैं, इसको इधर भी स्केयर है उधर भी स्केयर है कैंसिल कर दो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास टी प्लस वन बाई टी ये वैल्यू आएगी और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आई हुई है आपके पास टी माइनस वन बाई टी, दो इक्वेशन है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या करें दोनों को, सॉरी ये तो प्लस है यहाँ ये दोनों को क्या करें ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से टू एक्स इक्वल टू ये भी कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा टू टी मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास टी आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू टी आ गई तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू और निकालो वाई इक्वल टू So, इसकी जगह टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी से टी कैंसिल वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई टी, एक्स की वैल्यू आ गई वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, सो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, डी वाई बाई डी एक्स निकालो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, न्यूमरेटर पार्ट में तो y का डिफरेंशिएशन करना t के रेस्पेक्ट में, तो ये है t की पावर माइनस वन क्या हो जाएगा ये माइनस वन पावर तो आ गई और एक पावर कम हो जाएगी इसकी, ये t की पावर माइनस वन जाएगा ऊपर तो t की पावर माइनस टू हो जाएगी, डेनोमिनेटर में x का t के रेस्पेक्ट में करना वन, सो क्या आ जाएगा आंसर माइनस वन और ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी एक्स में नहीं है ऑप्शन शायद मैंने गलत लिख दिए, नहीं ऑप्शन एक्स में ही है और एक्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, देखो टी की जगह क्या कर सकते हैं एक्स पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, सो कौन सा ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दे रखा था, वैसे अगर चाहो ना तो आप वैसे कर सकते हैं इसको, कैसे फर्स्ट इक्वेशन से हीट एंड ट्रायल लगा दो आप, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ x फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट से कंपेयर करता है, x को t मान लेता हूं,
एक्स को टी मान लिया, तो x को t माना तो t पुट कर दिया, t से t कैंसिल हो गया, y क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू। यहां और पुट करके देख लो, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो करेक्ट हो जाएगी हमारी इक्वेशन, और फिर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर लेंगे, ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी हमें। सो आई होप सेकेंड पेपर के जो फाइव क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अलका क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और इस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में जो हमारी जो आईडी है वो है रवि सांपला RAVISNPL, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है रवि सांपला RAVISNPL, आपको करंट अपडेट्स मिलती रहेगी। सो थैंक्स।